पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने कहा कि आने वाला समय लोकसभा चुनाव का है और पूरी पार्टी इस बात पर चिंतन और विचार मंथन कर रहा है कि हार की समीक्षा के साथ हमें कैसे लोकसभा की तैयारी करना है। सिंघार ने कहा कि यह ईवीएम बीजेपी का जनादेश है, जनता का जनादेश नहीं है। देखिए, अब चूंकि अब आने वाला समय लोकसभा चुनाव का है और पूरे पार्टी हाईकमान इस पे मंथन और चिंतन कर रहा है कि हार की समीक्षा के साथ हमें कैसे लोकसभा की तैयारी करना है, तो उसी तारतम्य में दिल्ली में बैठ के रखी गई है। तो आने वाले समय में आपको कांग्रेस के चाहे घोषणा पत्र हो चाहे जो संभावनाएं हैं उसको लेके बात की जाएगी। क्या उमंग सिंघार अगले प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं? कमलनाथ जी ने इस्तीफे की पेशकश, मैंने कई बार कहा है कि पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हमेशा काम कर रहा हूँ तो करता हूँ, कभी आज तक मैंने पार्टी में कभी पद नहीं मांगा। ये हमारे राहुल जी भी जानते हैं अच्छी तरह। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, तो चुनौतियों से लड़ना काम है, चुनौती से लड़ते रहे। ये हृदय परिवर्तन अचानक आपका क्यों हो गया? दिग्विजय सिंह से मिल रहे हैं, शराब माफी और तमाम तरीके का आरोप लगाए। देखिए, परिवार में अगर आपस में सब लोग एक हो जाए उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और चूंकि अब चुनाव आने वाले लोकसभा है, एक बड़ा महासंग्राम है, तो उसके लिए तैयारी की आवश्यकता है और सबको पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करने की आवश्यकता है। उसी तारतम्य में मेरे अपने पुराने बयान पे आप कायम हैं या उस बयान से आप वापस? देखिए, मैंने आपसे ये कहा था कि मतभेद हो सकते हैं, वो मैंने कई चैनल पे भी कहा, कई बार कहा, मनभेद थी। हार का क्या बड़ा कारण रहा 2018? क्या लग रहा है ईवीएम कारण रही या जनता तक आप अपनी बात नहीं पहुंचा? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप पूरे जितने भी चुनाव हुए हैं अभी तक हिंदुस्तान में, चाहे हर राज्य के, जहां भी पोस्टल बैलेट का जहां रुझान रहा है वहां पे सरकार उस पार्टी की बनी। लेकिन पहली बार मध्यप्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं कि 196 सीटों पर पोस्टल बैलेट के कांग्रेस के पक्ष में आए। तो ईवीएम भाजपा का जनादेश है, जनता का जनादेश नहीं है, मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं। देखिए, अब पार्टी भाजपा का अंदरूनी मामला है और मैं समझता हूं कि आरएसएस जैसा चाहेगी वैसा उसका कैंडिडेट होगा। राहुल भैया देखिए, अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो सब बाहर हो जाएंगे। चुनाव तो लड़ना चाहिए, चुनौती स्वीकार करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, मैं तो कहना चाहता हूँ चाहे ईवीएम हो चाहे कहीं, हमारे घोषणा पत्र को सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। अगर रही ये लाडली लक्ष्मी की बात करते बार बार, तो हमारे धार जावो अलीराजपुर बड़वानी में क्यों नहीं चली, क्या कारण है? तो नहीं, मैं आप वही तो कह रहा, हम लोग जीते हैं वहां पे, तो क्या कारण है? तो और आपसे कहना चाहता हूं कि चुनाव इनका उद्देश्य है लोकसभा जीतना, तो हिंदी राज्यों को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। इनको दक्षिण के राज्य से इनसे मतलब नहीं है कि हिंदी राज्य से, जो भाजपा को पता है कि यहाँ हमारी पेट है, तो इस पेट को वो बरकरार रखना चाहते हैं। मैंने कहा है कि मैं कभी पद की दौड़ में नहीं रहता हूँ, ना कभी मैंने पद मांगे, ये पूरी पार्टी जानती है। आप इसको कुछ शर्म मानते हैं ऐसा है? मैं तो बोल चुका हूँ, कल भी बोला, परसों भी बोला कि हर पार्टी का विधायक उपयुक्त है। नहीं, नेताओं ने ये भी आरोप लगाए कि खासतौर से उनके क्षेत्र में कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा सभाएं करने, अभी ऐसा होता तो शायद मोदी जीतते। देखिए, मैं आपसे कह सकता हूं कि अब ये तो मंथन का दौर है, आने वाले समय पता चलेगा। अभी आप में से कोई बात बोलने से मतलब नहीं है, लेकिन जो आप कह रहे उस बात से भी मैं सहमत हूं कि कई जगह सामंजस्य की कमी रही।